सावित्री बाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में साइबर सेफ वुमेन इस कार्यक्रम का आयोजन सिविल लाइन स्टेट प्रेस क्लब में किया गया था। यह आयोजन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय नागपुर पुलिस और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था, जहां महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को मार्गदर्शन किया गया। महिला और बालकों की सुरक्षा को लेकर शहर माहिती और जनसंपर्क महासंचालनालय तथा नागपुर पुलिस साइबर सेल की ओर से साइबर सेफ वुमन का आयोजन पूरे राज्य में मुहिम के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। महिला और बालकों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर जागरूकता फैलाना, साथ ही इस संबंध में प्रतिबंधक उपाय योजना जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन रखा गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर महिलाएं मौजूद थी। धनवटे नेशनल महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र जिस्कार ने महिलाओं को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी कोई बात शेयर ना करें, यह सुरक्षा की एक अच्छी बात है। हम अपनी पर्सनल बात भी इस पर शेयर ना करें, जिससे हमें ही आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़े। फोटो, वीडियो, नाम, पता या मोबाइल नंबर आदि सारी बातें गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा साइबर के जरिए हमारी सारी बातें वायरल हो जाती है, जिससे हमें परेशानी हो सकती है। तो माझं मी शेती करतो, शेतीमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर ते फोटो काढतात, मला पाठवतात आणि इकडनं मी त्याचं रिपेअरचं आणि मेंटेनन्स शेड्यूल डिझाईन करतो। हा सोशल ग्रुप नाही आहे, फेसबुक पण सोशल ग्रुप नाही आहे, हा कम्युनिकेशन ग्रुप आहे, त्याला आपण सोशल ग्रुपचं नाव दिलेलं आहे। दुसरं म्हणजे आपली प्रायव्हेसी महिलांनी, आपण जर जीमेल अकाउंट असेल आणि गुगल मध्ये जर लॉग इन केलं, आपण इथनं निघालो तर पटकन इथे आपण गेलेलं आपल्या मोबाईल मध्ये येतं की आपण कुठे गेलेलो आहे। आम्ही नागपूर विद्यापीठातून निघालो तर नागपूर विद्यापीठाचं नाव येतं की तुम्ही नागपूर विद्यापीठात गेले, हे याचा ऍड्रेस शोधायला इझी आहे की डिफिकल्ट आहे। इट कम्स यू मस्ट बी वेल अवेअर अबाउट इट। इफ यू गो टू एनी क्लब, it will come. If you go to any restaurant, any hotel, that means your privacy is compromised. मी कुठे जातो किंवा मुलगी कुठे जाते हे सगळं क्लाउडवर आहे, सायबरवर आहे। आता जेव्हा टीचिंग टेक्नॉलॉजी मध्ये आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलेला आहे, बिलकुल प्रायव्हसी रिव्हील करू नका, सांगू नका, कोणी विचारलं कुठे राहता काय राहता बिलकुल सांगू नका, काही गरज नाही आहे, याला जपा, कारण येणारे दिवस चांगले येणार नाही आहे। टेक्नॉलॉजी खूप ॲडव्हान्स होऊन राहिली आहे आणि ते लोक फायदा घेतील टेक्नॉलॉजीचे ज्यांना फायदा घ्यायचा। सरकार की ओर से महिलाओं में साइबर सुरक्षा और जागृति निर्माण करने के लिए पूरे राज्य में मुहिम चलाई है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती है, इस दिन को मद्देनजर रख शुक्रवार को साइबर सेफ वुमन इस मुहिम की शुरुआत हुई है। पूरे राज्य में इस विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।